आपके पास अगर एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है और आपको उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज अपना खुद का एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं कि कैसे एक्सिस बैंक की जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं हम। तो एक्सिस बैंक के बिल पेमेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, जिसका नाम है एक्सिस मोबाइल ऐप। अगर आपके पास अभी तक एक्सिस मोबाइल ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिए। गाइज, एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप का जो ओल्ड वर्जन था उसमें क्रेडिट कार्ड का बिल देना थोड़ा बहुत इजी था, लेकिन अभी जो नया वर्जन आया है इसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। आपको अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आप कितने आसानी से विद इन 2 मिनट में आप दे पाएंगे, और साथ ही साथ वो अमाउंट क्रेडिट कार्ड में एडजस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए चलते मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होता है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल देना है तो पहले आपका एक्सिस बैंक का एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन पे क्लिक करके जो भी लॉगिन मेथड है आपका उसे यूज करके आपको इसे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप एक्सिस बैंक का पुराना कस्टमर है और आप एक्सिस मोबाइल पहले भी यूज़ कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होता था पहले वो क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे क्लिक करके होता था। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेक्शन है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ऐसा विंडो ओपन हो गया, लेकिन पहले ऐसा विंडो ओपन नहीं होता था। पहला का जो ऑप्शन था वो अलग था। यहाँ से क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप उसका बिल आप पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अभी अगर आपको पेमेंट करना है तो आप ऐसे नहीं कर पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, प्लीज़ पे योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज थ्रू होम स्क्रीन पेमेंट्स, उसके बाद पे माई ड्यू। तो पहले आपको जाना होगा होम स्क्रीन पर। तो ये आ गया होम स्क्रीन, यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको जाना होगा यहाँ पे नीचे में देखिए पेमेंट्स बोल के जो ऑप्शन है उसका सेकेंड ऑप्शन पे माई ड्यूज बोल के, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड और लोन्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास कोई लोन है वो भी आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। फिलहाल अभी हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपका जितने भी क्रेडिट कार्ड रहेगा उसका डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मेरा 3 कार्ड दिखा रहा है, उसका जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो भी यहाँ पे नीचे आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आपको पेमेंट करना है उसे पहले यहाँ पे सामने रखना होगा। जैसे कि मैं 2568 वाला जो कार्ड है इस कार्ड का पेमेंट करना चाहता हूँ तो इसको मैंने रख दिया मिडिल पे। उसके बाद आपको जाना होगा नीचे, यहाँ पे देखिए टोटल ड्यू दिखा रहा है 3174.29 और मिनिमम ड्यू है 159। तो मुझे अलग से ही पेमेंट करना है, तो यहाँ पे अगर आप ये जो मिनिमम पेमेंट देना चाहते हैं तो मिनिमम पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अगर आप टोटल पेमेंट देना चाहते हैं तो टोटल पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट भाई एक्सिस बैंक और आदर्श बैंक, अगर आप आदर्श बैंक से भी पेमेंट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ये जो 2 अमाउंट दिखाई दे रहा है इसमें से कोई भी अमाउंट का मैं पेमेंट नहीं करूँगा, इसलिए मुझे अभी यहाँ पे अदर जो पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे अदर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, तो अभी मुझे 2000 का पेमेंट करना है तो मैं 2000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो एजेंसी कोड और एजेंट आईडी है यहाँ पे कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस बैंक का ऑप्शन है और उसके बाद है आदर्श बैंक का ऑप्शन। अगर आप आदर्श बैंक का ऑप्शन क्लिक करते हैं उसके बाद पे में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका कॉन्फर्मेशन चाहिएगा। उसके बाद ये कन्फर्म करने के बाद आपका जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक के जो गेटवे होगा वहाँ पे आपको लेके जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे एक्सिस बैंक से ही पेमेंट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक क्लिक कर दिया। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट नंबर यहाँ पे आपका सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरा एक ही अकाउंट है तो एक ही शो हो रहा है तो इसे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद देखिए नीचे में आ गया पे, और यहाँ पे बैलेंस का भी ऑप्शन आपको आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे पे क्लिक कर देना होगा। पे क्लिक कर देने के बाद एक कॉन्फर्मेशन आपसे मांगेगा, जो कि यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर दिखाई देगा, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो भी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे सीधा कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा आपको, यहाँ से आपको बिल्कुल भी बैक नहीं करना है। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, आपका जो रजिस्टर फ़ोन है वो रजिस्टर फ़ोन पे एक OTP आपको रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका जो फंक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा और थोड़ा देर बाद इसका जो पेमेंट है, देखिए ये सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे लिखा है योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस विद इन 1 working days। गाइज यहाँ पे एक दिन तो दिखा रहा है लेकिन एक दिन नहीं लगता है, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड में जो पैसा आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा। तो गाइज आपने देखा है एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड का बिल आप कितने आसानी से एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू जमा कर पाएंगे। गाइज वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज एक्सिस बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आपको वो सब वीडियो देखना है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।